खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पुरोहितों का मानना है कि जगन्नाथ देव का कृपा है, इसलिए पुरी में कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पुरी जगन्नाथ जी का यहाँ पर उनकी अपार महिमा है, इसके चलते इससे पहले उड़ीसा में कई सारे तूफान आए तो होंगे लेकिन तस से मस नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल इस बार जब फनी के इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, इसी जगन्नाथ धाम के जगन्नाथ मंदिर के जो पुरोहितों हैं उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि इस बार पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जगन्नाथ धाम के पुरी के मंदिर के बिल्कुल शिखर में जो ध्वजा लहराता है उसको छोटा कर लिया जा रहा है। पहले तो यहाँ पर 21 हाथ तक ऊंचा ध्वजा लहराता था सुबह से लेकर रात तक। फिलहाल फैसला किया गया है कि आज से इसको 5 हाथ तक लंबा ही रखा जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो जो सबसे लंबा ध्वजा है उसको उतार लिया गया है और वो भी प्रक्रियाएं चल रही है कि थोड़ी ही देर में वो जो 5 हाथ लंबा जो ध्वजा है वो शिखर पर लगवाया जाएगा। पुरोहिता का ये मानना है कि अगर किसी भी तरीके से जो चक्रवाती तूफान शुक्रवार दोपहर तक पुरी के इस तट किनारे पहुंचेगा, उसके प्रभाव उसके उसके असर के चलते अगर वो ध्वजा किस तरीके से उसको क्षति पहुंचती है तो उसके चलते पूजा बंद हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया गया है कि उनकी तरफ से कि इस ध्वजा को छोटा करवाया जाए ताकि किसी भी तरीके से पूजा पाठ में रुकावट ना आ पाए। कैमरा पर्सन प्रवीर सामंतों के साथ ऋतिक एबीपी न्यूज के लिए उड़ीसा से।